जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते 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 राम नाम सब कोई रटे ठग ठाकुर और चो रीझत नहीं तुलसी नंद किशोर जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते ब्राह्मण बालक कितनी देर हो गए आए हुए कम से कम ढाई घंटा ढाई घंटा हो गया तो मैं कहने का हकदार नहीं हूँ कि ताली बजाओ क्योंकि बहुत देर से आप बैठे हो मगर जो अभी अभी आए हैं और जो ताली बजा सकते हैं और वज्रासन पे भी बैठ सकते हैं वो कोशिश करें वज्रासन पे बैठ के ताली बजाएं और फिर महामंत्र जपें और देखिए जपते वक्त ये नसें जो ना थोड़ा खिंचाव आना चाहिए ऊंचे स्वर में गाओगे तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी राम 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 इसका महत्व होता है बहुत और राम 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 इसका अधिक महत्व होता है और यही ढोलक बाजे के साथ हो और मिलके हो इसके महत्व का वर्णन कोई नहीं कर सकता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते इसीलिए हम इस सब का फल सिर्फ कल्की भगवान के सतयुग सहित प्राकट्य के लिए करते हैं क्योंकि हीरे से किसी ने कोयले खरीदे तो उसे क्या कहा जाएगा ये तो हीरे से भी ज्यादा अनमोल भगवान का नाम है महामंत्र है सर्वोत्तम महामंत्र है इसके द्वारा हमें क्या चाहिए सात दीप नव खंड में दमके कल्की नाम की उजियारी इसको माइक दो ये बिना माइक के नहीं बोलता इसको माइक दो सात दीप नव खंड में दमके कल्की नाम की उजियारी अखंड भूमंडल के राजा निष्कलंक संकटहारी इस महामंत्र को सामूहिक रूप से रटके और रटवा के केवल हम ये चाहते हैं कि सात दीप नव खंड में दमके कल्की नाम की उजियारी और अखंड भूमंडल के राजा निष्कलंक संकटहारी ये याति का राज्य आपने सुना होगा ये याति हुए ना उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खा सकता था पूरे भारत में नहीं सात द्वीप में ढिंडोरा पिटा हुआ था कि दंड मिलेगा कोई अन्न खाएगा तो एकादशी के दिन उस राज्य में कोई कमी हो सकती है
मां कल्कि राज्य में वो कमी भी नहीं रहेगी। ये जो कल्कि राज्य आने वाला है, थोड़ी सी फर्क ये है कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि कलयुग की आयु 432,000 वर्ष है और 5,000 कुछ साल बीते हैं, तो अभी कल्कि कहने की जरूरत नहीं है, अभी युग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। मगर आप जब जय कल्कि जय जगतपते करोगे तो भगवान अपने आप बता देंगे कि मैं अवतरित हो चुका हूँ और मेरा सत्युग सहित प्राकट्य शेष है। क्योंकि इसे मैं हजार तरह से समझाऊं, हो सकता है आपके समझ में ना आए, मगर जो महामंत्र के द्वारा जैसी आप बुद्धि लेके बैठे हैं, जैसे आप अपने संस्कार लेके बैठे हैं युगों युगों के, उसके अनुरूप भगवान आपको समझा देंगे कि मैं अवतरित हो चुका हूँ, केवल मेरा सत्युग सहित प्राकट्य शेष है और आप लोग जो जय कल्कि जय जगतपते कर रहे हो ये मेरी लीला का अंग है और आप सेलेक्टेड हैं तो जय कल्कि जय जगतपते कर पा रहे, बाकी और कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है सभी जय कल्कि जय जगतपते करें, नहीं होगा। कल्कि मंडल में बहुत सारे लोग जय कल्कि जय जगतपते बस 5-10 बार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक लकीर पीटते हैं। मगर आपने अगर जय कल्कि जय जगतपते किया और भगवान को समर्पण करके कहा प्रभु सत्युग सहित प्रकट हो जाइए, या आप सत्युग सहित प्रकट होना चाहते हैं तो वो हमें बता दीजिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जय कल्कि जय जगतपते करें और भगवान आपको ना बताएं, क्योंकि वो सच में ही सत्युग सहित प्रकट होना चाहते हैं। और ये हमें पता लगा, ये जो बैठे हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज, 10 साल की उम्र में ये बम बनाने लगे थे। सचिनदास सान्याल, जितेंद्रनाथ सान्याल राजबिहारी बोस के दाहिने हाथ थे दिल्ली में। उस समय में दूर दूर तक किसी को पता नहीं थी कि क्रांतिकारियों का एक दल दिल्ली में काम कर रहा है। मास्टर अमीर चंद लाला हरदयाल एम ए और अजीत सिंह, इन्होंने अपनी कल्कि दर्शन दिखाओ, उसमें पूरा वर्णन किया है। 10 साल की उम्र में ये आए, 16 साल की उम्र से इन्होंने जो कल्कि नाम जपा तो रात दिन जपा। मेरे पिता इनके साथ 10 साल रहे, कानकुब जो ब्राह्मण कानपुर के इनके पिता रहने वाले थे, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनके जो गुरु थे जातिस्मर थे, भविष्य में होने वाली घटनाएं बता देते थे। इन्होंने 5 साल जेल में सश्रम कारावास की सजा भुगती थी, क्रांतिकारी थे। उसमें इन्होंने अपना अभ्यास ऐसा किया कि रात दिन जय कल्कि महामंत्र, ये 1964 में आया। तो आप लोगों से प्रार्थना है, एक बार मैं बोलूं, एक बार आप बोलें और ताली बजा के बोलें।